शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन वृक्ष, तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर पितरों के तुल्य होते हैं। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की इस पितृ शांति, शिव महापुराण को जो आप सुन रहे हो निमिषारण्य से, बहुत ध्यान से सुन। पितृ दोष है, इसके लक्षण क्या? घर में अशांति होना, घर में चार पांच लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृ दोष है। पितृ दोष, एक रुपया कमा कर लाओ, सवा रुपए खर्च हो, खूब पैसा आए, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृ दोष। चार दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बेचना पड़े, समझ लेना पितृ दोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृ दोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष मालूम पड़े, और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। आठ पंद्रह दिन में, चार दिन में, तीन दिन में, दो दिन में, छह दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितने ही केले, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आएगा। आठ दिन में, पंद्रह दिन में, छह दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा, समझ लो पितृ कुछ कहना चाहता, पितृ कुछ बताना चाहता, कुछ वर्णन करना था। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगा, आठ दिन में, चार दिन में, छह दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। आठ दिन में, पंद्रह दिन में कोई भी अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा, आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ मत करो। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृ दोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की सात बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, सात आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जो थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के लिए बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का शिव महापुराण कहते हैं। अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बट वृक्ष का पत्ता, उस पर काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रखकर पितरों का स्मरण कर नवमी तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिख कर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आ सकता, कष्ट नहीं है। शिव महापुराण का भाव, भगवान शिव आनंद की राशि। तो तीन वृक्ष,
तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर ऐसे हैं जिनको पितृ माना जाता है। तो तीन वृक्ष कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है पहला पीपल, दूसरा बरगद बड़, और तीसरा बेलपत्र। इन तीन वृक्ष के नीचे श्राद्ध पक्ष में पितरों का निवास हो जाता है। इन तीन वृक्षों के नीचे तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप भोजन को रखकर रह जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और स्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यम लोक में जहां यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्व होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक स्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा, दरवाजे पर कैसे उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। तीन पक्षी तीन वृक्ष पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा हंस और गरुड़ ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु कुत्ता गाय और हाथी ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में, गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त हो। कुत्ता गाय और हाथ, स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है, स्वान भक्ता नहीं है, चुका देता। फिर तीन जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य, मछली
कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो